दोस्तों दुबई के शेख अमीर होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए होता है अपनी दौलत को लुटाने का। जहां किसी के पास रहने खाने तक के भी पैसे नहीं होते, वहीं इन शेखों की अय्याशी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इनके शौक भी ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपको दुबई के बेहद ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर दुबई में कोई महिला टैक्सी चलाती है तो उसकी कार का रंग पिंक होता है। जिस तरह अधिकतम देश छुट्टी संडे को मनाते हैं, उस तरह यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार की होती है। यहाँ पर पब्लिक प्लेस में महिलाओं को चूमना और गले लगाना गैर कानूनी समझा जाता है और इसके लिए सजा भी है। दोस्तों दुबई मतलब पैसा और पैसा मतलब सोना यानी गोल्ड। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दुबई के डायरा में मौजूद है, जिसका नाम द गोल्ड शॉप है। यह गोल्ड मार्केट लगभग 100 साल पुरानी है। इस मार्केट में आप 64 किलो सोने से बनी अंगूठी देख सकते हैं और इस अंगूठी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 1995 तक दुबई में केवल एक ऊंची इमारत थी, पर आज 2021 में दुबई में 500 से भी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं और इनसे दुगनी संख्या में बनाई जा रही हैं। दोस्तों दुनिया में जितनी भी क्रेन्स हैं, उनका लगभग 25% दुबई में काम होता है, ताकि वह जल्द से जल्द यहां विकास को पूरा कर सकें। दोस्तों बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये बात सबको पता है, पर इसके मालिक के बारे में आपको नहीं पता होगा। दोस्तों भारत के केरल में रहने वाले जियोर्जीबी निरियल पलम्बिर ने बुर्ज खलीफा में अकेले 22 फ्लैट्स खरीद रखे हैं और एक आदमी द्वारा बुर्ज खलीफा में खरीदे गए फ्लैटों की संख्या यह सबसे ज्यादा है। दोस्तों दुबई में आप अपनी गाड़ी को गंदी होने पर सड़क पर नहीं ले जा सकते। अगर आप अपनी गंदी गाड़ी के साथ सड़क पर पाए गए तो आपको 200 दिरहम का जुर्माना चुकाना पड़ेगा और एक दिरहम भारतीय रुपए में 20 रुपए के बराबर बैठता है। दोस्तों आज दुबई में हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि यहां आप जितना मर्जी पैसा कमाइए, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है और इसीलिए यहां पर विदेशी नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। दुबई के मूल निवासी तो केवल 15% हैं, बाकी यहां भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, फिलिपिनी हैं, श्रीलंकाई हैं और भी दूसरे देशों के लोग यहां रहते हैं। दोस्तों दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है, जिसे दुबई मिरेकल गार्डन नाम दिया गया है। दोस्तों दुनिया में एक से बढ़कर एक होटल्स मौजूद हैं, पर जब बात एकमात्र 7-स्टार होटल की करी जाती है तो सिर्फ बुर्ज अल अरब की बात होती है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल है। दुबई में रहने वाला हर मूल निवासी लगभग करोड़पति होता ही है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और दौलत की कोई कमी नहीं, तो फिर दुबई सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड, अनोखा पाम जनेरियन ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल देखने और घूमने को मिलता है। शेख मोहम्मद राशिद अल मक्तूम दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों साल 2019 में दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा चौथे नंबर वाला पसंद किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस बन गया। उस समय यहाँ पर 1,60,00,000 टूरिस्ट घूमने आए थे और दुबई आज के समय में सबसे ज्यादा पैसे अपने टूरिज्म से ही कमा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस बताने के लिए कोई भी पोस्टर कोड या जिप कोड नहीं होते, बल्कि दुबई में बिल्डिंग्स या होटल्स के नाम बताकर किसी को भी एड्रेस बताया जाता है। दोस्तों दुबई के बस स्टैंड पर आप एसी लगी हुई देख सकते हैं। दुबई में क्राइम रेट ना के बराबर है, इसलिए रहने के हिसाब से इसे सबसे सेफ कहा जा सकता है। अगर आप कार्स के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आपको दुनिया की हर वो महंगी कार मिलेगी जिसे यहाँ के शेखों ने सोने की परतों से जड़ा होगा। दोस्तों अगर आपको दुबई की ये वीडियो पसंद आई तो हमारी मेहनत के लिए इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, ताकि हम और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।